सोलन के माल रोड पर स्थित चिल्ड्रन पार्क आज अपनी बदहाली पर आंसू रो रहा है। पार्क में हर तरफ झूले टूटे पड़े हैं, हालांकि लाखों रुपए लगाकर बनाया गया म्यूजिकल फाउंटेन भी आज तक चल नहीं पाया। पार्क में घूमने आए लोगों का कहना है कि हर तरफ कूड़ा बिखरा पड़ा है और सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसके चलते लोगों ने नगर परिषद से पार्क की खराब स्थिति को दुरुस्त कराने के लिए गुहार लगाई। लाखों की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर हुई है, म्यूजिकल फाउंटेन के ऊपर, उसके बाद बंद पड़ा हुआ है। नगर परिषद ने इसके लिए बार बार इसके रिपेयर करवाए, लेकिन आज दिन तक चला नहीं है। जब भी यहाँ पार्क में आते हैं तो सफाई व्यवस्था अच्छी ना होने के कारण यहाँ दिल नहीं लगता है कई बार, और प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे सफाई व्यवस्था को बनाए रखे। उधर नगर परिषद के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि जल्द ही पार्क के खराब फाउंटेन को ठीक कर दिया जाएगा। सारे ही पार्कों का सौंदर्यीकरण और ठीक करने का व्यवस्था लाने की कोशिश है। झूले टूटे हुए नहीं है, वहाँ जाके आप देखिए झूले बिल्कुल ठीक है, झूला कोई टूटा हुआ नहीं है। अब देखना होगा कि चिल्ड्रन पार्क को कब तक ठीक करवाया जाता है। सोलन से चिन्मय कौशल, पंजाब केसरी टीवी के लिए।